नमस्कार साथियों, मैं विशाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विशाल राजपूत अपडेट्स में। दोस्तों, जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वो 6 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबर हो सकती है ये। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से खबर ये निकल कर आ रही है कि सरकार अलग कर सकती है पीएफ और पेंशन का अकाउंट। पीएफ का आपका अकाउंट अलग होगा, पेंशन का अकाउंट आपका अलग होगा, यह हो सकता है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ धारक अपना पेंशन का पैसा भी सारा निकाल लेते हैं, पर पेंशन का पैसा का मेन यूज़ होता है रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन के रूप में दिया जाता है। पर जो भी पीएफ धारक हैं वह पेंशन का पैसा भी नौकरी रिज़ाइन के बाद निकाल लेते हैं। इस कारण से पेंशन के पैसे का मेन लाभ जो है पेंशन के रूप में अकाउंट धारकों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा। आप जानते हैं कि कंपनी के द्वारा 12% और कर्मचारी के द्वारा 12% दिया जाता है, और 8.33% जो है पेंशन स्कीम के द्वारा जमा किया जाता है। दोस्तों, पेंशन का जो पैसा है वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको मिले इसलिए जमा रहता है। पर हो ये रहा है कि एम्प्लॉयर पीएफ के पैसे के साथ साथ पेंशन का पैसा भी निकाल लेते हैं, जिसका उनको मेन यूज़ नहीं मिल पाता। इस वजह से सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। आगे जैसे ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।